हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? होप यू ऑल विल बी एब्सोल्युटली फाइन गाइस। राधे राधे, जय माता दी होम। सो गाइस, हैप्पी मंडे टू ऑल, ओम नमः शिवाय। सो आज का व्लॉग होने वाला है बहुत ही मजेदार। जस्ट पूजा फिनिश करी है, लड्डू को नहलाया है और हमारे लड्डू आज ग्रीन ग्रीन पहन के बैठे हैं। राधे राधे कर दो लड्डू, राधे 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 राधे। सो गाइस, लड्डू को अब मॉर्निंग टाइम में दूध का भोग लगने जा रहा है। गाइस, सुबह मॉर्निंग हो गया है और हमारी माँ को, महाकाल को, हमारे लड्डू को लग गया है भोग। सो लड्डू बैठे हुए हैं अभी, इनके लिए टॉयज लाने हैं, इनको टॉयज चाहिए हैं, तो हम टॉयज भी लेके आएंगे, प्लस इनकी जो वुलन ड्रेसेस हैं वो भी लेके आनी है हमें। और यहाँ देख लीजिए गाइस क्या हो रहा है, भाई की जैकेट पहन ली गई है क्योंकि उठते ही कह रहा था मुझे ठंड लग रही है, तो अपनी जैकेट ना पहन के भाई की पहन ली। देख लीजिए जादू। सुबह सुबह उठते ही लॉलीपॉप खाते हो आप? हाँ। बहुत मानना है मैंने, बहुत ज्यादा। अच्छा, क्या लेके जाएगा लंच में स्कूल? आ जल्दी बता, मैं वही बना दे रही। चल बता जल्दी, चल तो ऊपर। कुछ भी नहीं लेके जाएगा तो भूखा ही रह ले, तू व्रत रख ले। ठीक है ठीक है, चलो बैठो। अब हम बनाने जा रहे हैं चाय, और बाल मेरे हैं बहुत ही गीले, तो इसे ओपन करके सुखा लेते हैं। सो गाइस, बस अब ठंड अब बढ़ गई है सर। गाइस बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है अब। मुझे तो ठंड भाई बहुत लगती है, बिकॉज मुझे थायराइड है। सो थायराइड से ठंड भी ज़्यादा लगती है और गर्मी भी ज़्यादा लगती है। सो पीते हैं चाय गाइस, फिर चलते हैं इसको स्कूल छोड़ने। आज स्कूल में कुछ समझ में ही नहीं आ रहा क्या दूँ बना के। वो लोग तो साग ही ले गए हैं, बोल रहे हमें तो साग ही खाना है, साग इतना अच्छा बनाता, तो मैंने उनको साग पैक कर दिया। इसको सोच रही हूँ पराठा वगैरह दे देती हूँ कुछ बना के। खाता तो है नहीं है वहाँ जाके भी, पर पैक तो करना ही है तो कर देते हैं। देखो जी, देख गुल्लू दो दो कबूल, दो दो नहा रहे, देख दो दो, एक ये रहे। दो दो लड्डू गोपाल नहा रहे हैं, देखो ये देखो, दो दो लड्डू गोपाल नहा रहे हैं। नानी दो दो लड्डू गोपाल नहलाती है, ये देख लो, छोटे छोटे हैं दोनों, ये देख लो। सो गाइस, अब दिन के 12:15 बज गए हैं और अब हम जा रहे हैं छोले और चावल बनाने, क्योंकि ठाकुर जी को सुबह दूध और ड्राई फ्रूट्स खिला दिए थे माँ को, अब हम छोले चावल का भोग लगाएंगे। ठीक है, सो गाइस हम बनाने जा रहे हैं छोले चावल। तो आप देख सकते हैं छोले बॉयल हो गए हैं यहाँ पे। यहाँ मैं टमाटर, अदरक और ग्रीन चिली पीसने जा रही हूँ। लहसुन प्याज तो लगता ही नहीं है ठाकुर जी को भोग, तो इस बिना लहसुन प्याज का खाना बनाने जा रही हूँ। ये मैंने एक बैगन लिया है जो कि मेरा ऑल टाइम फेवरेट बैगन का भरता है, तो ये मैं कल बनाऊंगी। या मैंने भिंडी धो ली है, सूखी भिंडी भी बनाऊंगी मैं। सो गाइस, हमारे जो यहाँ अयप्पा मंदिर है, मैंने आपको बताया था कि वहाँ बहुत ही अच्छा लगता है, कार्तिकेय भगवान का टेम्पल है। सो पूरे एक महीना जो है उनकी, ये एक पूरा महीना उनकी पूजा बहुत अच्छे से चलती है। शाम को 9:30 बजे एवरी डे भंडारा होता है रात को, और उसमें आपको वेजिटेबल, राइस, ये सब वो प्रोवाइड करते हैं जो भी साउथ इंडियन फूड होता है। तो गाइज, उसके लिए मैंने पूछा कि अगर हम कोई हेल्प करवा सकते हैं तो करवा, भंडारे में कुछ कर सकते हैं, तो उन्होंने बोला कि आप मॉर्निंग में 10 से 11 बजे के टाइम पे आ सकते हो, आप सब्जी वगैरह कट करवा सकते हो, माला बनवा सकते हो भगवान जी के लिए। तो मैंने कहा तो बहुत अच्छी बात है, तो मैंने कहा कल जल्दी काम निपटा के बाबू को स्कूल छोड़ के फिर मैं जाऊँगी अयप्पा टेम्पल, वहाँ पर थोड़ा सेवा करवाऊँगी, तो आप लोगों को ज़रूर मैं शेयर करूँगी। गाइज, अगर आप कभी भी पूजा पाठ में खाने जा रहे हैं तो वहाँ आप सेवा जरूर कराइए। अगर आप सेवा नहीं करा सकते तो एटलीस्ट जितना भी आपसे बनता है आपको वहाँ पे दान पात्र में देना चाहिए, क्योंकि कहते हैं भंडारा जो होता है कभी भी फ्री में नहीं खाना चाहिए, आपको भगवान के नाम की दक्षिणा जरूर देनी चाहिए। सो गाइज, मैं कल सेवा करवाने भी जाऊँगी, मैं दक्षिणा भी चढ़ा दूँगी। और गाइज, बहुत ही मुझे अच्छा लगता है, अगर मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिले तो डेफिनेटली मैं करवाऊँगी, अगर मेरे पास टाइम होगा गाइज, है ना। तो गाइज, बस चलते हैं, फटाफट से बना रहे हैं, तेल गरम होने रख दिया है, फटाफट से बन रहे हैं छोले, और बच्चों का टाइम होने वाला है तो छोले चावल बना के फटाफट से ठाकुर जी को, माँ को भोग लगा के फिर मैं उन्हें लेने जाऊँगी। सो गाइज, ठाकुर जी का भोग रेडी हो गया है और अब मैं जा रही हूँ ठाकुर जी को भोग लगाने, क्योंकि उनका भोग का टाइम है 12 बजे, उसके बाद वो 12, 12:30, 1 बजे तक लगा देती हूँ भोग, उसके बाद वो आराम करते हैं। सो गाइज, अभी थोड़े से चावल गरम हैं, थोड़ी देर बाद लगाऊंगी मैं भोग, थोड़ा ठंडा हो जाए, बस फटाफट से। गाइज देखिए, ये है हमारी पृथ्वी के 8वें अजूबे,
और गाइज ये बन रखे हैं दुल्हन, इतनी छोटी सी दुल्हन। कितने साल की दुल्हन है, 3 साल की कि 4 साल की? कितने साल की है? 4 साल की दुल्हन है गाइज ये। तो दुल्हन क्यों बन रहा है रे? मुंह छुपा रहा है, सर पीछे से उगड़ा हुआ है, आगे घूंघट करा हुआ है। इधर दिखा, क्या देखो? दुल्हन तो गंजी है, इसके तो बाल भी नहीं है। टकली दुल्हन, टकली दुल्हन, टकली दुल्हन, तस्वीर ये दुल्हन। अच्छा आज स्कूल में किसकी लड़ाई हो गई? अच्छा स्कूल में किसकी लड़ाई हुई? जल्दी बता, किसने किसको मारा था? कानू से। हाँ। किसकी? मेरी। क्या बोला था बताओ? उसने मुझे मारा। उधर देख के बोलो, उधर देख के बोलो, गाइस को, गाइस को बताओ। उसने मुझे मारा था। फिर तूने क्या किया? बोला। फिर क्या हुआ? नहीं बोला था। क्यों नहीं बोला? दूसरी वाली मैम उसे बोल दिया था। दूसरी वाली मैम कौन सी है? एक ही तो है मैम। दो है। अच्छा हाँ दो है। तो बड़ी मैम से बोलना था ना आपको? हाँ मुझे बोल जाता। अच्छा तो फिर क्या हुआ लड़ाई में, क्या हो गया था फिर? फिर मैम ने मारा। अच्छा मारा था। अच्छा चलो बाय कर दो, बाय गाइस। हेलो भैया, आप लोग देख रहे हैं खिचड़ीपुर से एक बंदा गोलगप्पे खाने गाजीपुर आया है, और ये इसकी बीवी को पता नहीं है, और ये चोरी छुपे गोलगप्पे खाए जा रहा है। भाई 50 रुपए के गोलगप्पे खा चुका है, अभी 10 रुपए के और खा रहा है। दूसरा बार मसाला बना रहा है, और ये दोबारा से मसाले बना रहा बंदा। देखो भैया खुद बता रहे हैं, 2 प्लेट चाट खा चुके हैं, और ये अरुण जी भी हैं यहाँ इनके साथ साथ दे रहे हैं, और ये किशन जी भी पहुँच चुके हैं, और ये भैया भी देखो खा के जा रहे हैं। छोटे राजकुमार जी इधर देखो, हमारे ब्लॉक में आने वाले हो आप। हाँ देखो, क्या नाम है आपका? जो बना रहे हैं वो कम से कम खा चुके हैं बहुत सारे। ये देखो ये छोले जा चुके हैं, और हम इस समय गाजीपुर डेयरी फार्म में हैं, और ये है कुत्तों के हॉस्पिटल के बाहर, और ये सारे कुत्ते खाने के लिए तैयार बैठे हैं, देख लो। और जिसको गोलगप्पे खाने वो आ सकता है, बहुत है माल, माल बहुत है, देख लो भरा पड़ा है, कने पूरा कतई भरा पड़ा है। और ये पहला अभी नहीं हुआ तैयार, अभी इसमें माल मटेरियल डाला जा रहा है। ये भैया जी ने प्याज कतर दिया उसके अंदर, थोड़ा अभी पसीना डालेंगे, मिर्ची डालेंगे सॉरी। और ये देखो दूसरे वाले भैया भी आ चुके हैं गोलगप्पे के, इनके गोलगप्पे जो है ना बड़े क्रिस्पी टाइप के हैं, जिसको खाने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। ये देखो शुरू हो चुके हैं गोलगप्पे खाने, भाई लोग गौर से देखे इस आदमी को, गोलगप्पे कैसे खा रहा है मजे से। ये देखो गोलगप्पे का आनंद लेते हुए, और ये देखो एक और आ चुके हैं गोलगप्पे जैसे आदमी को, आप समझ ही रहे होगे कौन होगा। कैसा लगा आपको गोलगप्पा? यम्मी सुपर। ओ भाई कुछ आप बोलेंगे वीरू जी? बोला नहीं जा रहा कि मुंह में गोलगप्पा भाई मुझे मन लगाना था। ओके तो ब्लॉग यहीं पर रोक रहा हूँ, गोलगप्पे वाले भैया को बाय।